करण्याचे षड्यंत्र सुरू असून एनसीपी भाजपच्या तळावर नाचत भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कारवाई करत आहे का? आणि असे जर नसेल तर भाजपचे उपाध्यक्ष संशयित आरोपीला कार्यालयात खेचत घेऊन का जात आहे याचा खुलासा एनसीपी व भाजपने करावा अशा शब्दात राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी निशाणा साधलेला आहे। मागील 3 दिवसांमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या व माध्यमांच्या वर सर्वात जास्त चर्चेचा विषय ठरला आहे तो एनसीबीची कारवाई आणि किंग खान शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याची गिरफ्तारी। एनसीबीने कारवाई करत तथाकथित रेव पार्टीमधून व क्रूजमधून शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान व त्याच्यासह 8 जणांना ताब्यात घेतले असून त्यांना कोठडीमध्ये रवाना करण्यात आलेले असून तपास एनसीबी करत आहेत। आर्यन खानच्या अटकेच्या वेळेच्या व कारवाईचे व्हिडिओ सर्व प्रसारमाध्यमांनी प्रसारित केले आहेत। त्याच व्हिडिओच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते व मंत्री नवाब मलिक यांनी या प्रकरणाला वेगळे वळण देणारी माहिती उजेडात आणली आहे। एनसीबी ही शासनाची संस्था असताना संशयितांना फरकट घेऊन जाणारे लोक हे शासकीय कर्मचारी नसून भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकारी कसे आहेत? मनीष भानुशाली हे भाजपचे उपाध्यक्ष असून ते संशयितांना फरकट जाताना कसे दिसत आहेत? मनीष भानुशाली यांची त्या आठवड्यातील संपूर्ण दैनिकीन तपासली जर त्या गोदीमध्ये ड्रग सापडले तेथून केंद्रातील मंत्री व गुजरातचे मंत्री याच्याशी भेटले ह्याचे आणि रेडचे संबंध काय आहेत हे तपासले पाहिजेत अशा शब्दात मंत्री नवाब मलिक यांनी पोलखोल केली आहे। पाहुयात नवाब मलिक यांची पत्रकार परिषद। शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस में ले जाया जा रहा है, आप लोग देखें फिर उसकी मैं डिटेल आपको दूंगा। जो हेयरलेस आदमी है उसको लेके जा रहा है, उसको उसकी वीडियो जरा प्ले करिए आप दिखाइए। फिर यही व्यक्ति एक सेल्फी के साथ फोटो वायरल हुआ, जो आर्यन खान के साथ जिसका फोटो है ये वायरल हो गया। फिर एएनआई ने दिल्ली के एनसीपी के अधिकारियों के हवाले से एक खबर जारी की कि ये एनसीपी का अधिकारी नहीं है, इसका एनसीपी से कोई संबंध नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये व्यक्ति कौन है। अगर ये एनसीपी का अधिकारी नहीं तो इस व्यक्ति को, एक व्यक्ति जिस पे आरोप है कि वो ड्रग इस्तेमाल करता है या उसके पोजीशन में ड्रग मिला तथा कथित, उसे वो घसीटते हुए, लाइट चालू करो, घसीटते हुए एनसीपी कार्यालय में कैसे ले जा रहा था, ये एनसीबी को बताना पड़ेगा कि इसका और एनसीबी का क्या कनेक्शन है। दूसरा एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो दूसरा एक आरोपी है अरबाज सेठ मर्चेंट, उसे भी एनआई ने फीड रिलीज की, जिसको एक व्यक्ति पकड़ के एनसीबी कार्यालय में ले जा रहा है। शुरू से लगा, शुरू से ये आदमी को देखिए जो लाल शर्ट पहना हुआ, फिर बताऊंगा। जो मरून शर्ट वाला है, मैं इसको दे देता हूं आपको, देख लेना आप लोग दोनों फीड। ये एनआईए एजेंसी ने जारी करने का काम किया है। पहले वाले से एनसीबी ने कहा कि हमारा कोई ये अधिकारी नहीं है। पहले वाले का नाम है केपी गोसावी। जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो अरबाज को ले जा रहा है उसका नाम है मनीष भानुशाली, ये भी एनसीबी का अधिकारी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है। इसकी प्रोफाइल पे जो जो फोटो है लोगों को दिखाने का काम करो, मनीष भानुशाली का। मनीष भानुशाली और फोटो, नेक्स्ट राष्ट्रीय है, मुंबई का है, ये बीजेपी बताइए, उपाध्यक्ष लिखा हुआ है उसके प्रोफाइल पे। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं।
मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ हैं, मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं, मनीष भानुशाली के फोटो गुजरात के कई मंत्रियों के साथ हैं, मनीष भानुशाली के फोटो आशीष सेलार के साथ हैं, नड्डा साहब के साथ हैं, केंद्रीय मंत्री रेल राज्य मंत्री के साथ हैं। एनसीपी को बताना पड़ेगा कि मनीष भानुशाली लाइट के और एनसीपी के क्या रिश्ते हैं। दो हाई प्रोफाइल एक्यूज, एनसीपी ने दावा किया कि क्रूज पे हमने छापा मारा, 3 दिन तक प्लानिंग चलती रही, 26 अधिकारियों के जरिए रेड की गई और जोनल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है, उनकी भी बाइट है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। बाद में खबर आई कि 8 ही आदमी थे। एक अफसर जो पूरी तरह से रेड को मॉनिटर कर रहा है, वेग स्टेटमेंट करता है कि 8 से 10 लोग थे, या तो 10 लोग रहे होंगे, 2 लोगों को छोड़ा गया, या 8 ही लोग थे, किसी और 2 लोगों को फ्रेम करने की साजिश एनसीबी ने की थी, ये स्पष्ट हो रहा है। और कुछ चीजें हैं, पहले वो बता देता हूं, फिर चीजों को फिर विस्तार से एक्सप्लेन करता हूं। जब ये सारा मामला शनिवार रविवार को टेलीविजन पे चल रहा था, रविवार को 8:30 बजे एनसीबी ने कुछ फोटोग्राफ और एक वीडियो रिलीज किया है क्राइम रिपोर्टर्स को। यह है वो फोटो, ये सारे फोटो कई चैनल पे चलाए गए, क्लेम किया गया कि इसमें चरस है, क्लेम किया गया कि इसमें कोकीन है, और फोटो क्लेम किया गया कि इसमें कोई केमिकल की टेबलेट्स है और ये हमने सीज किया है। किसी भी रेड में सीजर करते समय उसका एक प्रोसीजर है, एनडीपीएस एक्ट में भी प्रोसीजर है। खबरें प्लांट की गई कि क्रूज से हमने पकड़ा है, लोगों के पास से हमने ये बरामद किया है। ये कोई भी मामला जो सैंपल के फोटो जारी किए गए, ये दिल्ली के एनसीपी से लोगों को जारी किया गया है। ये फोटो किसी क्रूज के नहीं है, ये फोटो किसी क्रूज टर्मिनल के नहीं है, ये फोटो जोनल डायरेक्टर के केबिन के अंदर के फोटो हैं, उसकी भी एक छोटी वीडियो आपको दिखाता हूं। वीडियो चला, वीडियो किसी भी सीजर का एक प्रोसीजर है कि जहां पे छापेमारी हो, लाइट चालू करो, छापेमारी हो वहां पे पंचनामा बनाया जाए, जो भी सीज मटेरियल है उसे सील किया जाए, सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाए, और जरूरत पड़े अगर सैंपलिंग को भेजना है तो ये मैजिस्ट्रेट के सामने परमिशन से खोल के सैंपलिंग की जाए और मैजिस्ट्रेट के सामने सील किया जाए। ये सारे वीडियो और फोटो ये बताते हैं कि क्रूज पे कोई भी सीजर नहीं हुआ। ये सारे वीडियो फोटो बताते हैं कि ये वीडियो जोनल डायरेक्टर के कार्यालय का है, या तो ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है, पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है, मामला न्यायालय में है, जिनके खिलाफ मामला है वो कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा यह है एनसीबी से कि मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है, ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। अगर एनसीपी कहती है कि ये एनसीपी का अधिकारी नहीं है, तो किस तरह से 2 हाई प्रोफाइल एक्यूज को ये हैंडल कर रहे थे। मनीष भानुशाली
ये एनसीपी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीपी को अधिकार है कि प्राइवेट लोगों को हायर करके या उनकी मदद से रेड की जाए? अगर है तो किस कानून के तहत, इसका भी खुलासा एनसीपी को करना पड़ेगा। हमारा सीधा आरोप है कि पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए फर्जीवाड़ा रच रही है और पूरा 3 तारीख का ड्रामा ये फर्जी है। और श्री मनीष भानुशाली, इनका प्रोफाइल अभी उन्होंने लॉक कर दिया है। कल शाम से गोसावी का प्रोफाइल लॉक है, लेकिन मनीष भानुशाली के हमने 2 दिन में उसकी जो मूवमेंट है हमने निकाली है। 21 तारीख के दिन मनीष भानुशाली ये दिल्ली में था कुछ मंत्रियों के घर पे। 22 तारीख को मंत्रालय में गांधीनगर में ये रहा। 28 तारीख तक गांधीनगर के मंत्रालय में लगातार इसकी बैठकें होती रही। और ये 21-22 तारीख की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, भानुशाली 21-22 तारीख की तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुंद्रा पोर्ट पे गुजरात में 3,000 करोड़ के 27,000 करोड़ मुझे पता नहीं, लेकिन एक बड़ा अफगानिस्तान से ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। तो मनीष भानुशाली दिल्ली में किससे मिल रहा था, मनीष भानुशाली गुजरात में किन मंत्रियों के साथ बैठा था, 28 तारीख तक मनीष भानुशाली गुजरात के मंत्रालय में क्या कर रहा था, 28 को फिर बंबई आता है, फिर 1 तारीख के दिन फिर गुजरात में मंत्रालय में जाकर राणा नाम के एक मंत्री है उनके साथ बैठक करता है, और 3 तारीख को छापेमारी में लोगों को गिरफ्तार करता है। ये सारे सवाल के जवाब हमें लगता है कि एनसीपी को देना पड़ेगा। पूरा एनसीपी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी लोगों को बदनाम करने के लिए, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को छापेमारी करवाने के लिए, जो लोग उनके खिलाफ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने सवाल खड़े किए हैं कि मनीष भानुशाली का गुजरात ड्रग का क्या कनेक्शन है, एनसीपी बताए, भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनका उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जो मोदी जी के एक्सेस है, जिसे अमित शाह जी का एक्सेस है, जेपी नड्डा का एक्सेस है, और मनीष भानुशाली को कौन सी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ये दोनों लोगों को खुलासा करना पड़ेगा कि एनसीपी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है, और जो भी पिछले एक साल में मुंबई शहर में बैठकर एनसीपी कर रही है सारा फर्जीवाड़ा करके लोगों को बदनाम किया जा रहा है। जितने भी मामले बनाए गए फिल्म वालों को टारगेट करके पब्लिसिटी लूटी गई, लगातार सारा देश का मीडिया अलग अलग लोगों को पूरी तरह से मीडिया ट्रायल करता रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज सवाल जो मैंने उठाए हैं ये देश की जनता के सामने जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का एनसीपी पे क्या प्रभाव है, एनसीपी के लोग प्राइवेट लोगों के जरिए लोगों को गिरफ्तार किस तरह से करा रहे हैं, इसका खुलासा बीजेपी और एनसीपी को करना होगा। और ये शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें एनसीपी को लेके हैं, समय समय पे चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। और आप पत्रकारों से भी विनंती करता हूँ, खास करके क्राइम रिपोर्टर से, कि कोई अधिकारी फिट कर दे वो सच है ये मानकर आप खबरें ना चलाए, कुछ तहकीकात आपको भी करनी है कि ये सच कितना है झूठ कितना है। ये सारा मामला 3 तारीख का फर्जीवाड़ा है, गुजरात ड्रग कनेक्शन से भी कुछ कनेक्शन है, एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर लोगों को गिरफ्तार कर रही है, और ये जो सारे एविडेंस है मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए सारी चीज़ें देता हूँ। और गोसावी
ये क्लेम करता है कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव है। गोसावी क्लेम करता है कि ये कोलालमपुर में रहता है। अब इतना बड़ा सब इंटरनेशनल कनेक्शन है, हमें लगता है कि दिल्ली के एनसीपी के मुखिया जो सवाल हमने खड़ा किए हैं उसका खुलासा करेंगे। अगर खुलासा नहीं करते हैं तो और सवाल कुछ दिनों में हम उनके सामने रखने का काम करेंगे।